सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्तश्लोके दुर्गा शिववाच। देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविदायिनि कलो हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कला सर्वेष्टसाधनम् मया तवैव स्नेहेन प्रम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अच्च श्रीदुर्गा सप्तश्लोके सप्तमन्त्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टव छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्रीदुर्गा प्रीत्यदम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानी नाम विजेतांसि देवी भगवते हसाम् बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मिता हर्षि भीष्मचे सजन्तो स्वस्थे स्मिता मधिमतीव शुभां ददान्ति। दारिद्र्य दुःख वैहारिणिका तु धन्या सर्वोपकार करणाय सदा सचित्ता। सर्वमङ्गल मङ्गले शिवे सर्वाददादिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वज्ञाति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान् शेषान् अमहान्दुष्टान् रुष्टातु कामान् सकलानवेष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाभयतां भयान्ति सर्वावादा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरीम् एवमेव त्वया कायम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र सदनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच सदनाम प्रवक्ष्यामि धनुष कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्सति। ॐ सरेजाति भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या दिनेता शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्ता चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धि अहङ्कार चित्तरूपा चिताजिनिः सर्वमन्त्रमयी सत्या सत्यानन्द स्वरूपिणि अनन्ता भावनी भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटलापाटलावती पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीरञ्जनी अमेय विक्रमा क्रोरा सुन्दरे सरसुन्दरी
वन दुर्गा च मातंगे मदंगा मणिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा जैव वाराही लक्ष्मी च वृषागदेहि विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दनी मधुकैटवहन्ती च चण्डमन्दा विनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवगादिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्य धारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्य धारिणी कुमारी चैककन्या च केजरी यवदीयतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोजरी मुक्तगेजी गौररूपा महाबला अग्निज्वालारुद्धमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी वज्रकाली विष्णुमाया यलोदरी शिवज्योती कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी जयदं प्रभुते नित्यं दुर्गा नाम सदाष्टकम् नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुखं जायामयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते न मे मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजे त्वया भक्त्या पदे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धि भवे देवी सर्वैः सर्वैरपि राजानो दासतां जान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् गोरोजनालक्तकुङ्गुमेन सिन्दूरगर्भोरमदत्तयेन विलिख्यजन्तं विधिना विलिख्यो भवे सदा धारयते पुराणिः भौमावाचाण्यशामग्ने चन्द्रे सर्वेषां गते विलिख्य प्रभुते स्तोत्रं स्वभवे संवदां वदाम् ॐ। इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ॐ अच श्री चण्डे कवचस्य ब्रह्मा अनुष्टव छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गण्यादोक्तमातरो वीयम् देवबन्ध देवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा विजयते सप्तशती पाठाकृत्येन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे वाच ॐ जल्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षा करं नाम जन्यकस्याज्ञातं तन्मे मोहे पितामहः ब्रह्मवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यादो कवचं मन्यं दर्शनस्य महामने प्रथमं जैन भुत्तिज द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रखण्डेति कुष्मादेति यतोदकम् पञ्चमं स्कन्दपादेति षष्ठं गाजायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिराति च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अग्निना गह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे भीष्मे दुर्गमे जैव भयार्ता शरणं गताः गान्ते चां जायते किञ्चित् अशुभं प्रणसङ्कटे
नावदं दस्य पश्यामि शोक दुःख वयम् नहि जयस्तु भक्त्या त्रिदानो न तेषां वृद्धि पयायते येषां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे दान संशयः प्रेत संसातु चामुण्डा वाराही महिषासना अन्ते गच्छमारूढा वैष्णवे गरुडासना माहेश्वरी विशारूढा कौमारी शिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्तारे प्रिया श्वेतरूपा धरा देवी ईश्वरी विशवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वा वर्णभूषिता इष्टदामाधरा सर्वः सर्वयोग समन्विता नानाभरणशोभाजा नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्या क्रोध समाकुला शङ्खं चक्रं गदां शब्दे हरं जामदलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च कार्यन्दायुधानीतं देवानां च हिताय वै नमस्ते तो महारोद्य महागौरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाविनाशने त्राहि मां देवि दुष्टे शत्रुनाभयवर्धने प्राज्ञां रक्षामेद्य अग्निरामग्निदेवता दक्षिणे तु भाराहि नैरेज्ञा खड्गधारिणि पठेज्यां वारुणी रक्ष वायुभ्यामिगवाहिनि उदीर्यां वादु कौमारी एजानां शूलधारिणि ओषं ब्रह्माणि मेलस्य अगस्ता वैष्णवी तथा एवं दशशोलस्य जामुण्डा शववाहना जया ये जागृता पादो विजया पादो वृष्टिदः आजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योधनीरस्य उमामुद्री व्यवस्थिता मालाधरी ललाते च भुवरक्षयस्वने त्रिनेता च भुवोर्मध्ये जपघण्टा जनासिगे शङ्खणि चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोठारवासिनी कफोलोकालिकारस्य कर्णमूले दशाङ्करे कार्तिकायां सुगन्धा च उत्तरोदे चर्जिका अवसरे चामृतकला टिप्पायां च सरस्वती गङ्गा रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका कण्ठिकां चित्तघण्टा च महामाया जनालगे कामाक्षी सुखसंरक्ष्य वाचमे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठभञ्जे धनोदरी नीलग्रीवा बही कण्ठे नलिकां नलगोहरि कन्दयो गर्गनीरज्य बाहुमे वज्रधारिणि हस्योदण्डनीरज्य अम्बिका जाङ्गुलेश्वर नगाश्चुरेश्वरीरज्य कुञ्जरज्ये कुलेश्वरी स्वणोरज्य महादेवी मनः शोकविनाशिनि हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणि कामनीरक्ष्य गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूजना कामिका मेढं कुले महेशवाहिनि कट्यां भगवती रक्ष्य यावणि विन्दवासिनि जङ्के महाबला रक्ष्य सर्वकामप्रदायिनि गुल्फयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तेजति पादाङ्गुलेश्वरी रक्ष्य पादानस्तनवासिनि नखाकराली च गेजा देवोदगेजनि रोमकूपेजुगौरी ध्वजं भागेश्वरी तथा रथमजामधामासानर्तिमेधान्तिपार्वती अर्थानि कालराद्रिश्च वित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती परमघोषे कभे चूडामणि सदा ज्वालामुखी नगज्ज्वालामवेद्या सर्वसिन्धुषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष्य छायां सत्येश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धे रक्ष्य मे धर्मधारिणि प्राणापानो तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्ष्य प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनि सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्ष्य नारायणे सदा आयुः रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी जशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणि
गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशु मे रक्ष चण्डिके पुत्राणि महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवे पन्थानां सुपदारक्ष्य मार्गं सेवकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थिता रक्षायैनं तु रक्षानां वर्जितं कवचेन तु कात्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशने पदमेकं न गच्छेतु जदिशेषुपमात्मनः कवचेनाभ्युतो नित्यं यत्र यत्तेव गच्छति तत्सत्तात्लावच विजहा सर्वकामिकः जञ्चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर मधुरं प्राप्यते भूतलेव मान् निर्भयो जायते मत्यः सङ्ग्रामेषु परायितः ते लोके तु भवेत् पूज्यः कवचेनामृतापमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् जापटे वैशो नित्यं दिशन्त्यं सत्यजान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेश पराजितः जीवे वर्षकलं साग्रामभवेत्यो विवर्जितः नश्यन्ति जाद्यः सर्वे दुर्गा विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं जैव कृत्रिमं चापि यद्दिशम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्तानि भूतले भूचरः केचराक्षेव जलयाशोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकणीशा कणी तथा अन्तरिक्षजरा घोरा डाकिन्यक्ष महाबला बृहभूतपिशाचा च यक्षगन्धर्वराक्षिता ब्रह्मराजवेतारः कुष्माना वेरवादयः रक्षन्ति दर्शनादर्ज कवचेः संस्थिते मानोन्नति भवेराख्यस्तेजो विद्धिकलम्बरम् चषसा वर्तते सोऽपि कीर्तिमण्डितबोधने जपे सप्तु चलिं चण्डिं कृत्वा तु कवचम्बरा यावत् भूमण्डलं दत्ते षडे लवणकाननम् तावदिष्ठतिमेदिन्या सन्तते पुत्रपोतके देहान्ते परमस्थान यत्सुरेजपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते अथार्गलास्तोत्रम् अच्च श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः अनुष्ठव छन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवताम् श्रीजगदम्बा प्रीतये सत्त्वजदि पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमा शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमस्तु ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतादिहारिणी जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमस्तु ते असुके नवभिद्दावि विलात्रि वरदे नमः अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि महिषासुरनिर्दाशि भक्तानां सुगते नमः अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि रथबीजापदे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि शुम्भजयशुम्भजुम्भायस्तमर्दिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि वन्द्याङ्गे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि अचिन्त्यरूपचर्य सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दरिदाभहे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि सुभक्त्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि चण्डिके सततं जयत्वमर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं
रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि विदेहि दिशतां नाशं विदेहि बलमूर्तये रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाशयम् रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि सुरादरशिरोरत्ननिकृष्टजनमिगे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि विद्यावन्दं जशोर्वन्दं लक्ष्मीवन्दव्यनं करो रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पणे चण्डिकेपणदाय मे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रा संसुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संसुते देहि सर्वभक्त्या ददाम्बिके रूपं देहि जशो देहि दिशो जहि हिमाचलसुधानाद संसुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि इन्द्राणीपति सद्भावपूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि देहि प्रचण्ड सौदण्ड दत्तदर्पविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि देवि भक्तयनादामा दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि अग्नि मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारणे कारणे दुर्गसंसार सागरस्य करोत्वमाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा महास्तोत्रं पठेत् नः स्वस्तु सप्तषधि संज्ञा परमापनोति सम्पदाम् अथ कीलकम् ॐ अथ श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टव छन्दः श्रीमहासरस्वती देवताम् श्रीजगदम्बाप्रीत्यदम् सप्तशती पाठागत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै पारकण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय श्रीवेदे दिव्यचक्षुषे श्रेया प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाददारिणे सर्वमेतद्ध्यानीयमन्त्राणामविलीलकम् सोऽभिक्षेमवाप्नोति सततं यत्प्रतत्परः सिद्ध्यन्तु चारणादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुभतां देवि सौतमात्रेण सिद्ध्यति नामन्तो नौषधं तत्र न किञ्चिद् विविध्यते विनानाप्येन सिद्ध्येन सर्वमुच्चानादिकाम् समग्रानपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव मिलं शिवम् स्तोत्रं वेजण्डिहायातो दर्शगुप्तं जगारसः सभादेन च पन्यस्य सम्यधावन्नियन्त्रणाम् सोऽभिक्षेमवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्भ्यां वा समाहितः प्रजादिपरिजिह्नाति नान्यदेशां प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योतिष्कीलां विधायिनां नित्यं जपति संस्फुरां सा सिद्धा स्वागनान्दोऽपि गन्धर्वो जायते नः कार्तैवासक्तस्य वयं कापि हजायते नामवित्तो वशं जाते मिदो मोक्षापवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेद न कुर्वा न विनश्यति ततो ज्ञातेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्य देपदे सौभाग्याति यत्किञ्च दृश्यते लननायने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदं शिवम् क्षणेस्तु जप्यमाणेऽस्मि सौते सम्पत्तिरुच्चकैः कवच्चैव समग्रापि तदा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं षट्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुराणि परो मोक्ष श्रूयते सान किं जनैः ॐ श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री
वेद व्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडे प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछ कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र आई गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदने गिरिवरविंद जिरोदिनि वादिनि विश्वविलादिनि जिष्णवे भगवति शिशि पञ्चवरुम्भिनि भोरि वरुम्भिनि भोरिगले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि अम्बकमर्दिनि जैरसुले सुरवरवर्षि जय जय हे भाई चातुर आई Thank you.
कमल 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 भोजन भोज कला मनोहर अभी अंत में पृष्ठ नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणी जयंत समया दोयमिति मामत्व क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जन पूरा चैव न जानामि
क्षम्यतां परमेश्वरी मन्दहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवे परिपूर्णं ललतु मे अपराधशतं कृत्वा जगदं देवि चोदने यां गतिं समवापनादे नातां ब्रह्मादयासरा कापराधोऽस्मि धरणं प्राप्स्वां जगदं विगे इदानीमनुकम्प्यां जगेशति अज्ञानाधिष्ठते भ्रान्तः जाण्योनमधिकामृता तत्सर्वं क्षम्यतां देवे प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्रहे करा शेरा वाली जीरा बोल सच्चे दरबारे की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन परम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। ओ ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जान बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप ही ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षय का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षय के जाप से, उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षय ओंकार में आकार, ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्ध मात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चार नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया ज्योता वाली माता तेरी जयकारा शेरा वाली जीदा। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। ए वीर तेरे जगदुपेति सुखम तथैते कुर्वन्तु नाम नरका चराय पापम संगाम मृत्युमधिगम दिवम प्रयांतु मत्ते नूनमहितान विनिहंसी। देवी देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संगाम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं, निश्चय यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। दिष्टे किं न भवति प्रकरोषि भस्म
सर्वास्वराडयशुजत्पहनोषिशस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रेवो विशस्त्रभूता इत्थं मतिर्भवति तेषु तेऽपि साधी। आप शत्रु पर शत्रु का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त अवसरों को दृष्टिपात मात्र से भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है कि शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएं। इस प्रकार उनके पति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ पहाड़ नेकर बेस्ते सोग्री शोलाग्र कांति निभेन देशो असरा नाम जन्नादा विलम शोधन खंड योग्यारम तब लोकताम तदेत। खड़ग के तेज पुंज के भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रवास से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते थे। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। आप सभी श्रद्धालु भक्तजन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्र प्रारंभ करके अपनी भक्ति को पूजा पाठ द्वारा अग्रसर कर रहे थे। आज नवरात्र का अंतिम दिन है, नवरात्र समाप्त हो रहे हैं और नवमी प्रातः 9:36 तक है। सभी भक्तों ने कल नवमी को ही शाखा विसर्जन कर दिया होगा क्योंकि आज दशमी प्रारंभ हो जाएगी और रविवार होगा। इस दिन आज अंतिम दिन में भी आप नवमी को माता सिद्धिदात्री के दर्शन करते हैं। सिद्धिदात्री अर्थात सभी सिद्धियों को देने वाली। आठ कई जगह आठ प्रकार की सिद्धि हैं और 36 सिद्धि में लिखी गई है। दूर से किसी वस्तु को सुनना, अपने रूप को छोटा बना लेना, बड़ा बना लेना, ये सब प्रकार की सिद्धि है। भगवान शंकर जी ने भी इन्हीं सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए दुर्गा माता जी की इन्हीं सिद्धिदात्री की आराधना की थी। ये सिंह पर आरूढ़ हैं और अपने हाथों में क्रमशः शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। ये कमल पर भी आसीन रहती है। इन्हीं की कृपा से भगवान शंकर जी को आधा श्री देवी का प्राप्त हुआ था और वो अर्ध नारीश्वर के रूप में विख्यात हुए थे। आज के दिन इन सिद्धि सिद्धिदात्री महाराज की आराधना करके भक्ति अन्य सभी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं। आज सूर्य भगवान मेष राशि में संक्रमण कर रहे हैं और इसलिए ये मेष संक्रांति के नाम से विख्यात हैं। इस दिन वैशाख मास में प्रातः सूर्य से पहले स्नान करना ये विशेष पुण्य फल को प्रदान करता है। राजा महीरथ जो ऐश्वर्य संपन्न थे परंतु किसी कारण उनका तेजहीन हो गए थे और उन्होंने प्रातः स्नान करके वैशाख मास को दान पूजा द्वारा अक्षय फल की प्राप्ति की थी। वैशाख मास में भक्तजन जो प्यासे को पानी पिलाते हैं, गर्मी में उसको छाया करते हैं, पंखा झुलाते हैं, उसको पादुका दान करते हैं, उनको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन तिल दान भी करना चाहिए अर्थात पितरों का जो तर्पण भी करना चाहिए। आप सभी लक्ष्मी माता के धाम में विराजमान हैं। इनका प्राकट कई रूप में हुआ माना जाता है। एक तो ऐसा माना जाता है कि राधा जी के दक्षिणांश से लक्ष्मी प्रकट हुई, इसी प्रकार कृष्ण जी के दक्षिणांश से भगवान विष्णु प्रकट हुए और दूसरी ऐसी कथा है कि एक बार भगवान इंद्र मधुपान से प्रमत्त हुए कैलाश धाम से वैकुंठ धाम की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने दुर्वासा ऋषि को देखा और उनको प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त पारिजात पुष्प इंद्र को दिया, परंतु इंद्र मधुपान से प्रमत्त थे अतः उन्होंने इस पुष्प को अभिमान पूर्वक हाथी पर डाल दिया, जिससे दुर्वासा जी कुपित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि इंद्र तूने मेरे द्वारा दिए गए इस पुष्प का अपमान किया है, अतः लक्ष्मी जाव के धाम को छोड़कर भगवान विष्णु के धाम में चली जाएं। तब दुर्वासा के श्राप से इंद्र शिवहीन हो गए, स्वर्ग लक्ष्मी विहीन हो गया। तब सभी देवगण ब्रह्मा जी को साथ लेकर के, गुरु जी को, बृहस्पति को साथ लेकर के वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि महाराज स्वर्ग में जो
लक्ष्मी माता रोट करके आपके धाम में चली आई हैं, इसलिए कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे पुनः हमारे स्वर्ग में लक्ष्मी माँ का निवास हो। उसे भगवान विष्णु ने देवताओं को उपदेश देते हुए कहा कि जहाँ शिव की पूजा नहीं होती, जहाँ तुलसी का आरोपण नहीं होता, जहाँ शंख ध्वनि नहीं होती, जहाँ अतिथियों का आदर सम्मान नहीं किया जाता, जहाँ भक्त जन व्रत उपवास नहीं करते, सवेरे हिंसा युक्त रहते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, वहां से लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। तब उन्हें लक्ष्मी माता को खीर सागर के जहाँ उत्पन्न होने की आज्ञा दी और देवताओं को परामर्श दिया कि आप दैत्यों के साथ मिलकर के समुद्र का मंथन करो। तब सभी देवताओं ने दैत्यों के साथ मिलकर के मंदाचल पर्वत को मथानी, कश्यप को आधार और शेषनाग की रस्सी बनाकर के समुद्र का मंथन किया, जिससे कई प्रकार के रत्न प्रकट हुए, जिनमें उच्च शवा घोड़ा, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, धन्वंतरी जी अमृत का कलश लिए हुए और साथ में लक्ष्मी जी माता जी प्रकट हुई। और उस समय उन्होंने भगवान विष्णु जो शेषनाग की शैया पर विराजमान थे उनको वरमाला डाली और सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने उनकी स्तुति की, जिससे लक्ष्मी माता ने उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और स्वर्ग में लक्ष्मी का निवास हो गया। इसलिए हम भक्तों में चाहिए कि हमारे घरों में लक्ष्मी का निवास रहे। हमें भगवान विष्णु द्वारा उपदेशित मार्ग पर चलना चाहिए, अर्थात घर में तुलसी का आरोपण होना चाहिए, शिव की पूजा होनी चाहिए, शंख ध्वनि होनी चाहिए, अतिथि का आदर सम्मान व्रत उपवास रखना चाहिए, जिससे लक्ष्मी माता जी हमारे घर में सदैव विराजमान है। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्व भर में संयुक्त रूप में केवल यही विराजमान होती, आपको शक्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही है। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक है, ऊपरा के तीन स्वरूप और उन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती हुई परिक्रमा करती जा रही है, जिसमें आप स्नान करते हैं, चरणों में ध्यान करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पार गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कई काल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं। ओम ऐं ओम अथवा ओम ऐं सरस्वती नमः इसका जाप करने से विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति होती है। ह्रीं के उच्चारण से आपको दूध, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति, नेक कमाई, हर प्रकार की मनोकामना, घर गृहस्थी, देश विदेश में सिद्धिमान प्राप्त होता है। और क्लिंग के उच्चारण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके शत्रु तथा रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्चे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवार मंत्र का उच्चारण माता चरण बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे। सज्जियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं तो अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मनिंद्र जी से अपनी मधुर भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मनिंद्र। जयकारा शेरे वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय।
मेरी मैया जी दे पवन नारे के दिखने की चल चल सै मेरी मैया जी दे पवन नारे के दिखने की चल चल सै मेरी मैया जी दे पवन नारे के दिखने की चल चल सै मेरी मैया जी दे पवन नारे के दिखने की चल चल सै ऊंच पहाड़ दे अजब नजारे के दिखने की चल चल सै ऊंच पहाड़ दे अजब नजारे के दिखने की चल चल सै ऊंच पहाड़ दे अजब नजारे के दिखने की चल चल सै ऊंच पहाड़ दे अजब नजारे के दिखने की चल चल सै तारीख के बाद जीवी है सभी वक्त हाथ उठाकर बात करने हाजिर रहेंगे और ऊंचा बोलेंगे बिल्कुल जय माता दी शेर दी सवारी बड़ी प्यारी प्यारी लगदी शेर दी सवारी बड़ी प्यारी प्यारी लगदी उच्चे उच्चे पहाड़े च मां मेरी बसदी उच्चे उच्चे पहाड़े च मां मेरी बसदी शेर दी सवारी बड़ी प्यारी प्यारी लगदी शेर दी सवारी बड़ी प्यारी प्यारी लगदी बिच चरण दे बिच चरण दे बिच चरण दे गंगा दे फुवारे के दिखने की चल चल चै बिच चरण दे गंगा दे फुवारे के दिखने की चल चल चै बिच चरण दे गंगा दे फुवारे के दिखने की चल चल चै बिच चरण दे गंगा दे फुवारे के दिखने की चल चल चै मेरी मैया जी दे पवन नारे के दिखने की चल चल चै मेरी मैया जी दे पवन नारे के दिखने दूरा दूरा चली बाद संगता ने आंदिया दूरा दूरा चली बाद संगता ने आंदिया दुख दुख अपना मांगी सुनांदिया दुख दुख अपना मांगी सुनांदिया दूरा दूरा चली बाद संगता ने आंदिया दूरा दूरा चली बाद संगता ने आंदिया सुख दुख अपना मांगी सुनांदिया सुख दुख अपना मांगी सुनांदिया पौने गूंजदे ने जाओ पौने गूंजदे ने जाओ पौने गूंजदे ने मां दे जयकारे के दिखने की चल चल चै पौने गूंजदे ने मां दे जयकारे दिखने की चल चल चै पौने गूंजदे ने मां दे जयकारे के दिखने की चल चल चै पौने गूंजदे ने मां दे जयकारे के दिखने की चल चल चै मेरी मैया जी दे पवन नारे के दिखने की चल चल चै मेरी मैया जी दे पवन नारे के दिखने की चल चल चै उच्च पहाड़ दे अजब नजारे के दिखने की चल चल चै उच्च पहाड़ दे अजब नजारे के दिखने की चल चल चै बिलिया भी मिलने दी आस नहीं मुकदी बिलिया भी मिलने दी आस नहीं मुकदी दिखिया भी दिखने दी भुख नहीं चुकदी दिखिया भी दिखने दी भुख नहीं चुकदी मिलिया भी मिलने दी आस नहीं मुकदी मिलिया भी मिलने दी आस नहीं मुकदी दिखिया भी दिखने दी भुख नहीं चुकदी दिखिया भी दिखने दी भुख नहीं चुकदी मन कर मली जाओ मन कर मली जाओ मन कर मली रख चदवारे के दिखने की चल चल चै मन कर मली रख चदवारे के दिखने की चल चल चै मन कर मली रख चदवारे के दिखने की चल चल चै मन कर मली रख चदवारे के दिखने की चल चल चै मेरी मैया जी दे पवन नारे के दिखने की चल चल चै मेरी मैया जी दे पवन नारे दिखने की चल चल चै उच्च पहाड़ दे ने अजब नजारे के दिखने की चल चल चै उच्च पहाड़ दे ने अजब नजारे के दिखने की चल चल चै ओ मेरे दे खजाने मेरी मैया जी दे परे ने ओ मेरे दे खजाने मेरी मैया जी दे परे ने ओ मेरे दे खजाने मेरी मैया जी दे परे ने मेरे दे खजाने मेरी मैया जी दे परे ने इक देने वाली लख मंगने की खड़े 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 ने ओ बड़ी
ਮੁੱਕ ਦੇਣੀ ਜਾਓ ਬੰਦੀ ਮੁੱਕ ਦੇਣੀ ਜਾਓ ਬੰਦੀ ਮੁੱਕ ਦੇਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕੇ ਦਿਖਣੇ ਕੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੈ ਬੰਦੀ ਮੁੱਕ ਦੇਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕੇ ਦਿਖਣੇ ਕੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੈ ਬੰਦੀ ਮੁੱਕ ਦੇਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕੇ ਦਿਖਣੇ ਕੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੈ ਬੰਦੀ ਮੁੱਕ ਦੇਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕੇ ਦਿਖਣੇ ਕੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੈ ਮੇਰੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦੇ ਪਵਨ ਨਿਆਰੇ ਕੇ ਦਿਖਣੇ ਕੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੈ ਮੇਰੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦੇ ਪਵਨ ਨਿਆਰੇ ਕੇ ਦਿਖਣੇ ਕੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੈ ਉੱਚ ਪਾਣ ਦੇ ਨਿਆ ਜਵਨ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕੇ ਦਿਖਣੇ ਕੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੈ ਉੱਚ ਪਾਣ ਦੇ ਨਿਆ ਜਵਨ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕੇ ਦਿਖਣੇ ਕੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੈ ਮੇਰੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦੇ ਪਵਨ ਨਿਆਰੇ ਕੇ ਦਿਖਣੇ ਕੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੈ ਮੇਰੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦਾ ਪਵਨ ਨਿਆਰੇ ਤੇ ਦਿਖਣੇ ਕੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੈ ਉਹ ਦਿਖਣੇ ਕੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੈ ਦਿਖਣੇ ਕੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੈ ਉਹ ਦਿਖਣੇ ਕੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੈ ਉਹ ਦਿਖਣੇ ਕੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੈ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੈਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰੋ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਕਾ ਹੋਰ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਤੁਮਹਾਰਾ ਛੋੜ ਕਰ ਦਾਮਨ ਮਾ ਜਗਦੰਬੇ ਕਹਾ ਜਾਓ ਤੁਮਹਾਰਾ ਛੋੜ ਕਰ ਦਾਮਨ ਮਾ ਜਗਦੰਬੇ ਦਾਮਨ ਮਾ ਜਗਦੰਬੇ ਕਹਾ ਜਾਓ
शक्ति है ना मन में भावना अविभ्रंशन जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुं बलं बला सोऽपि वैश्यततो ज्ञानं वव्रे निर्भिन्नमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम् भगत सुर समाधि तरे थे नाम लेने से भगत सुर समाधि तरे थे नाम लेने से तरे थे नाम लेने से तुम्हारे भरोसे पर ये संभव है कि तर जाओ तुम्हारे ही भरोसे पर ये संभव है कि तर जाओ तुम्हारा छोड़ कर दामन मजगदम्बे छोड़ कर दामन
करा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। एक भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल जी। जय कर शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी छाया घोर अंधेरा छाया घोर अंधेरा भवान छाया घोर अंधेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा छाया घोर अंधेरा पार करो पार करो पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी छाया घोर अंधेरा छाया घोर अंधेरा भवानी छाया घोर अंधेरा। गहरी नदियाँ नाम पुराने गहरी नदियाँ नाम पुरानी दया करो मायाद भवानी हो दया करो मायाद भवानी। गहरी नदियाँ नाम पुरानी दया करो मायाद भवानी सबको आसरा तेरा भवानी सबको आसरा हो सबको आसरा तेरा भवानी सबको आसरा तेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी छाया घोर अंधेरा छाया घोर अंधेरा भवानी छाया घोर अंधेरा। गुड़िया गुण नहीं कोई मैया जगा दो किस्मत सोई मैया जगा दो किस्मत सोई मैं गुड़िया गुण नहीं कोई मैया जगा दो किस्मत सोई। देखियो राम गुण मेरा भवान देखियो राम गुण मेरा देखियो राम गुण मेरा भवान देखियो नया गुण मेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी छाया घोर अंधेरा छाया घोर अंधेरा भवानी छाया घोर अंधेरा। जग जननी तेरी जोत जगाई जग जननी तेरी जोत जगाई दीदार की आस लगाई एक दीदार की आस लगाई जग जननी तेरी जोत जगाई एक दीदार की आस लगाई। लूटे पाप लुटेरा भवानी लूटे पाप लुटेरा लूटे पाप लुटेरा भवानी लूटे पाप लुटेरा। पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी छाया घोर अंधेरा छाया घोर अंधेरा भवानी छाया घोर अंधेरा। भक्तों को माँ ऐसा वर दो प्यार की एक नजर माँ कर दो प्यार की एक नजर माँ कर दो भक्तों को माँ ऐसा वर दो प्यार की एक नजर माँ कर दो। हृदय
करो बसेरा भवानी, हृदय करो बसे हृदय करो बसेरा भवानी, हृदय करो बसेरा करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवान, छाया घोर अंधेरा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा, छाया घोर अंधेरा, पार करो पार करो पार करो मेरा बेड़ा भवान, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवान, छाया घोर अंधेरा, ओ छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा, पार करो मेरा बेड़ा भवान, पार करो मेरा बेड़ा, ओ महापार करो बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा, ओ छाया घोर अंधेरा भवानी, छाया घोर अंधेरा, ओ पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, ओ पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। बोल सच्चे दरबार की जय। एक ध्यान पर सुकर रहे श्री विजय कुमार। जयकारा शेरोवाल जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। हे मां, हे मां, तोतिया मन मोतिया धूमा दे द्वारे जा, 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 मैया नू संदेश मेरा देनी तू पहुंचा, ओ मेरी रानी माँ, मैं उसका सेवका, मेरे रानी माँ, मैं उसका सेवका, भवन से लै बुला मिलन दा मैनू चा। देवी सारा हाल सुना, ओ मेरी रानी माँ, उसका सेवका, भवन से लै बुला मिलन दा मैनू चा। तोतिया मन मोतिया तू माँ दे द्वारे जा, तोतिया मन मोतिया तू माँ दे द्वारे जा, तोतिया मन मोतिया तू
ਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਮੋਤਿਆ ਮਨ ਮੋਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਓ ਮਈਆ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਦੇਵੀ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਓ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਓ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਭਵਨ ਤੇ ਲੈ ਬੁਲਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਈਆ ਤੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪਰਵੇਸ਼ 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 ਲਾਡਲਾ ਦੁਲਾਰਾ ਤੇਰਾ ਬੈਠਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਤੇਰਾ ਬੈਠਾ ਪਰਦੇਸ ਲਾਡਲਾ ਦੁਲਾਰਾ ਤੇਰਾ ਬੈਠਾ ਪਰਦੇਸ ਤੋਤਿਆ 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 ਮਨਮੋਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਤੋਤਿਆ ਮਨਮੋਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਮੈਂ ਖਵਾਵਾਂ ਚੂਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਮਿਲਾ ਓ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਭਵਨ ਤੇ ਲੈ ਬੁਲਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੋਤਿਆ ਜਹ ਜਹ ਤੋਤਿਆ ਹੋ ਤੋਤਿਆ ਮਨਮੋਹਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਤੋਤਿਆ ਮਨਮੋਹਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਮਈਆ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਦੇਵੀ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਓ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਭਵਨ ਤੇ ਲੈ ਬੁਲਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾ ਤੋਤਿਆ ਮਨਮੋਹਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਤੋਤਿਆ ਮਨਮੋਹਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਨੀ ਐ ਅੱਖੀਆਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਮਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਮਾਂ ਬਸਣੀਏ ਅੱਖੀਆਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਮਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸਣੀਏ ਅੱਖੀਆਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਮਾਂ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸੂਰ ਮਾਂ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਜੇ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸੂਰ ਮਾਂ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸੂਰ ਮਾਂ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਜੇ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸੂਰ ਮਾਂ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸੂਰ ਮਾਂ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸੂਰ ਮਾਂ ਓ ਤੋਤਿਆ ਤੋਤਿਆ ਮਨਮੋਹਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਤੋਤਿਆ ਮਨਮੋਹਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਬਾਕੀ ਤੇਰਾ ਬਚੜਾ ਤੈਥੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਭਵਨ ਤੇ ਲੈ ਬੁਲਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾ ਤੋਤਿਆ ਮਨਮੋਹਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਤੋਤਿਆ ਮਨਮੋਹਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਓ ਮਈਆ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਦੇਵੀ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਓ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਭਵਨ ਤੇ ਲੈ ਬੁਲਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾ ਓ ਤੋਤਿਆ ਮਨਮੋਹਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਮਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਛੱਤਰ ਚੜਾਵਾਂ ਮਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਛੱਤਰ ਚੜਾਵਾਂ ਮਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਛੱਤਰ ਚੜਾਵਾਂ ਮਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਛੱਤਰ ਚੜਾਵਾਂ
ਪੈਰੀ ਚਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਾ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਜਾਨੀ ਪੈਰੀ ਚਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਾ ਓ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕਾਨੀ ਪੈਰੀ ਚਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਾ ਓ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕਾਨੀ ਪੈਰੀ ਚਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਾ ਤੋਤਿਆ ਜਾ ਜਾ ਤੋਤਿਆ ਮਨ ਮੋਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਤੋਤਿਆ ਮਨ ਮੋਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਨਿਮਾਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾਣੀ ਮਾਂ ਉਸਦਾ ਸੇਵਕਾ ਭਵਨ ਤੇ ਲੈ ਬੁਲਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾ ਤੋਤਿਆ ਜਾਓ 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 ਤੋਤਿਆ ਜਾਓ 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 ਤੋਤਿਆ ਮਨ ਮੋਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਤੋਤਿਆ ਮਨ ਮੋਤਿਆ ਤੂੰ ਤੋਤਿਆ ਮਨ ਮੋਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਤੋਤਿਆ ਮਨ ਮੋਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਓ ਮਈਆ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਦੇਵੀ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਓ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਸੇਵਕਾ ਓ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਸੇਵਕਾ ਪਵਨ ਤੇ ਲੈ ਬੁਲਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾ ਤੋਤਿਆ ਮਨ ਮੋਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਤੋਤਿਆ ਮਨ ਮੋਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਓ ਮਈਆ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਦੇਵੀ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਸੇਵਕਾ ਪਵਨ ਤੇ ਲੈ ਬੁਲਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾ ਓ ਤੋਤਿਆ ਮਨ ਮੋਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਤੋਤਿਆ ਮਨ ਮੋਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਤੋਤਿਆ ਮਨ ਮੋਤਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਜੈਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਨੰਗੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਜਗਦੰਬਿਕੇ ਜਗਦੰਬਿਕੇ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਜਨਨੀ ਮਾਂ 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 ਹੇ ਮਾਂ ਹੇ ਮਾਂ ਹੇ ਮਾਂ ਹੇ ਮਾਂ ਹੇ ਮਾਂ ਹੇ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬਿਕੇ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਜਨਨੀ ਜਗਦੰਬਿਕੇ ਜਗ ਜਨਨੀ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬਿਕੇ
जो देवे उसमें हर शाम कुछ रहे न मेरा अपना पन मैंने सर्व चढ़ाया जगदम्बी के जय जय जग जननी ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਪ੍ਰਾਤ ਨਮਾਮਿ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰ ਚੰਡ ਮੁੰਡ ਸ਼ੁੰਭਾਸੁਰ ਪ੍ਰਮੁਖ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਕਸ਼ਾ ਬ੍ਰਹਮੇਂਦ ਰੁਦ ਮੁਨਿ ਮੋਹਨ ਸ਼ੀਲ ਲੀਲਾ ਚੰਡੀ ਸਮਸਤ ਸੁਰ ਮੂਰਤਿ ਮਨੇਕ ਰੂਪਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਆਸ ਬਿਕਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਬਤ 2076 ਉਤਰਾਇਣ ਉੱਤਰ ਗੋਲ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਵੈਸਾਖ ਮਾਸ ਕੀ ਆਜ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਆਜ ਸੂਰਯ ਭਗਵਾਨ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਮੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਥਾ ਇਸਕਾ ਪੁਣ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਤਾ 7:44 ਚ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਗਾ ਚੈਤਰ ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ ਆਜ ਨੌਵੀਂ ਤਿਥੀ ਹੈ ਨੌਵੀਂ ਆਸ 9:00 PM to 9:36 PM ਤੱਕ ਹੈ ਰਵੀਵਾਰ ਤਦ ਅਨੁਸਾਰ 14 April ਸੰ 2019 ਕੇ ਦਿਨ ਦੁਰਗਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਅਸੀਮ ਅਨੁਕੰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸਭੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਤਪੋਵਨ ਕੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਨੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਅਤਹ ਆਪ ਸਭੀ ਸੌਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਏਵਂ ਪੁਣਕਰਮੀ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਆਜ ਵਾਸੰਤਿਕ ਨਵਰਾਤਰੋਂ ਕੀ ਦੁਰਗਾ ਨੌਵੀਂ ਤਥਾ ਵੈਸ਼ਾਖ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਕੇ ਚਰਨ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਜਬ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਸੇ ਅੱਖੇ ਫਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਆਜ ਕੀ ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਨੌਵੀਂ ਤਥਾ ਵੈਸ਼ਾਖ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਭੀ ਭਕਤੋਂ ਕੇ ਲਈ ਮੰਗਲਮਈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭਦਾਈ ਹੋ ਆਪ ਸਭੀ ਭਕਤੋਂ ਕਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਦਿਵਯਾਂਗਨ ਮੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਏਵਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਆਪ ਕੇ ਸਾਥ ਵਿਸ਼ਵ ਕੇ ਸਭੀ ਮਾਤ੍ਰੀ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਭੂਰੀ ਭੂਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਵ ਪੁੱਤਰਵਾਨ ਭਵ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਯਸ਼ਸਵੀ ਭਵ ਪ੍ਰਗਿਆਵਾਨ ਭਵ ਭੂਰੀਭੂਤਿ ਕਰਣੇ ਦਾਨੇ ਕਨਿਸ਼ਠੋ ਭਵ ਤੇਜਸਵੀ ਭਵ ਵੈਰੀ ਦਰਪ ਦਲਣੇ ਵਿਆਪਾਰ ਦਖਿਓ ਭਵ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਭੋ ਭਵ ਪਾਲ ਪੂਰਤਾ ਸਰਵੋਪਕਾਰੀ ਭਵ ਮੰਤ੍ਰਾਰਥਾ ਸਫਲਾ ਸੰਤੁ ਪੂਰਨਾ ਸੰਤੁ ਮਨੋਰਥਾ ਸ਼ਤੂਨਾ ਬੁੱਧਿ ਨਾਸ਼ੋ ਅਸਤੁ ਮਿੱਤਰਾਣਾਮੁਦਯਸਤਵ ਸ਼ੀਰਵਰਚਸ ਆਯੁਸ਼ਮਾਰੋਗ੍ਯਮਾਭਿਧਾ ਸ਼ੁਭਮਾਨੰ ਮਹੀਯਤੇ ਧਨੰ ਧਾਨ੍ਯੰ ਪਸ਼ੂੰ ਬਹੁਪੁੱਤ੍ਰਲਾਭੰ ਸਤਸੰਵਤ੍ਸਰੰ ਦੀਰਘਮਾਯੁ ਅਸਤੁ ਦੀਰਘਮਾਯੁ ਆਪਕੀ ਦੀਰਘਾਯੁ ਹੋ ਆਪਕਾ ਆਰੋਗਯਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਆਪ ਧਨ ਧਨ ਸੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਿਨ ਮੰਤਰੋਂ ਕਾ ਆਪਨੇ ਸ਼ਵਨ ਕੀਆ ਵੇ ਸਭੀ ਸਫਲ ਏਵਂ ਸਾਰਥਕ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆਪ ਸਦੈਵ ਧਰਮਾਨੁਕੂਲ ਕਰਮ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਉਨਤੀ ਕੇ ਮਾਰਗ ਪਰ ਅਗਰਸਰ ਹੋ
ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਅਭੀ ਸਭੀ ਭਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਵਰ ਸੇ ਬੋਲਤੇ ਹੋਏ ਤਾਲੀ ਬਜਾਤੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਬੋਲੇਂਗੇ। ਆਪਕੀ ਪੁਸਤਕਾ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਰ ਆਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਭੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਮਈਆ ਜੈਕਾਰਾ ਗੌਰੀ ਮਈਆ ਜੈ ਮੰਗਲ ਕਰਨੀ ਹਰਿ ਰੰਗਾ ਜਿਵਰੀ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਮਾਂਗ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਮ੍ਰਿਗ ਮਦ ਕੋ ਮਈਆ ਜੀ ਕੋ ਮ੍ਰਿਗ ਮਦ ਕੋ ਓ ਜਲ ਸੇ ਦੋ ਨੈਣਾ ਓ ਜਲ ਸੇ ਦੋ ਨੈਣਾ ਗੰਗਾ ਕੋ ਸਮਾਨ ਕਲੇਵ ਰਾਤਾਂਬਰ ਰਾਜੇ ਮਈਆ ਰਾਤਾਂਬਰ ਰਾਜੇ ਰਾਤ ਪੁਸ਼ਪ ਗਲ ਮਾਲਾ ਰਾਤ ਪੁਸ਼ਪ ਗਲ ਮਾਲਾ ਕੰਠਨ ਪਰ ਸਾਜੇ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਹੇ ਹਰਿ ਵਾਹਨ ਰਾਜ ਖੜਗ ਖਪਰ ਧਾਰੀ ਮਈਆ ਖੜਗ ਖਪਰ ਧਾਰੀ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੇਵ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਦੇਵਤ ਤਿਨਕੇ ਦੁਖ ਹਾਰੀ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਕਾਨਨ ਕੁੰਡਲ ਸੋਭਿਤ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰੇ ਮੋਤੀ ਓ ਮਈਆ ਨਾ ਜਾ ਦੇ ਚੰਦ ਦਿਵਾ ਕਰ ਕੋਟੀ ਕਰ ਚੰਦ ਦਿਵਾ ਕਰ ਸਮਰਾਜ ਜੋਤੀ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਸੰਗਣ ਸੰਗ ਵਿਦਾਰ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰ ਰਾਤੀ ਮਈਆ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰ ਰਾਤੀ ਓਮ ਰਵਿ ਲੋਚਨ ਨੈਣਾ ਓਮ ਰਵਿ ਲੋਚਨ ਮਾਧਵਾਤੀ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਕੰਡ ਮੁੰਡ ਸੰਹਾਰ ਸ਼ੋਨਿਤ ਬੀਜ ਹਰੇ ਓ ਮਈਆ ਸ਼ੋਨਿਤ ਬੀਜ ਹਰੇ ਮਧੁ ਕੈ ਦਵ ਦੋ ਮਾਰੇ ਮਧੁ ਕੈ ਦਵ ਦੋ ਮਾਰੇ ਕਮਲਾ ਰਾਣੀ ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਬਖਾਨੀ ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਬਖਾਨੀ ਤੁਮ ਸ਼ਿਵ ਪਦ ਰਾਣੀ ਓਮ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਚੌਸਠ ਯੋਗਿਨੀ ਗਾਵ ਨਿਤ ਕਰਤ ਭੈਰੋ ਮਈਆ ਨਿਤ ਕਰਤ ਭੈਰੋ ਬਾਜਤ ਤਾਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਬਾਜਤ ਤਾਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗਾ ਔਰ ਬਾਜਤ ਡਮਰੀ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਤੁਮ ਹੀ ਜਗ ਕੀ ਮਾਤਾ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ ਭਰਤਾ ਮਈਆ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ ਭਰਤਾ ਭਗਤਨ ਕੀ ਸੁਖ ਹਰਤਾ ਭਗਤਨ ਕੀ ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਸੁਖ ਸੰਪਤਿ ਕਰਤਾ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਪੂਜਾ ਚਾਰ ਅਤਿ ਸੋਈ ਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਧਾਰ ਮਈਆ ਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਧਾਰੀ ਮਨ ਵਾਂਛਿਤ ਫਲ ਪਾਵਤ ਮਨ ਵਾਂਛਿਤ ਫਲ ਪਾਵਤ ਸੇਵਕ ਨਰ ਨਾਰੀ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਕੰਚਨ ਥਾਲ ਵਿਰਾਜ ਅਗਰ ਕਪੂਰ ਬਾਜ
ਪਾਤੀ ਹੋ ਮਈਆ ਅਗਰ ਕਪੂਰ ਪਾਤੀ ਜੀ ਮਾਲ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਲ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਤ ਕੋਟੀ ਰਤਨ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਾਵੇ ਕਹਤ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਕਹਤ ਹਰੀ ਹਰ ਸਵਾਮੀ ਮਨਵਾਂਛਿਤ ਫਲ ਪਾਵੇ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਮਈਆ ਜੈ ਹਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਸਤਿਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕੀ ਜੈ ਅਭੀ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਫਾ ਦੁਆਰ ਪਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਕਾ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਕਾ ਪੂਜਨ ਕਰੇਂਗੇ ਤਦ ਪਸ਼ਚਾਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਰਤੀ ਹੋਊਗੀ ਆਰਤੀ ਅਬ ਸਹੀ ਭਗਤੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਆਏਗੀ ਸਭੀ ਭਗਤ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਆਰਤੀ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹਲ ਮਿਲ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਹੋਏ ਵੇਲਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦਾਦਾ ਵੇਲਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਤਿ ਵੇਲਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਪੁਰਨ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੇਰਾ ਕਰਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੋਲੀਆਂ ਵਰਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੋਲਾ ਆਨੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੀਰ ਦੇਵੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲਾਲ ਰੰਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਣੇ ਚਨਿਆ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੱਥ ਵੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਖੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੋੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੋਨਾ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹਾਰ ਜਵਾਨੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਗ ਕਲਿਆਣੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਾਮਾ ਰਾਣੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਰਾਣੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਹਿਤ ਦੇਵੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਈਆ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੱਜ ਦੁਆਰੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹਰੇ ਚਲਾਣੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਛੋਲਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹੰਸ ਦੁਆਰੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇਵੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇਵੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇਵੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਅੰਬੇ 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 ਬੱਚੀਆਂ ਰੋਤਾ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਸਭੀ ਭਕਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਓਮ ਦੇਹੀ ਸੌਭਾਗਿਅਮ ਆਰੋਗਿਅਮ ਓਮ ਦੇਹੀ ਸੌਭਾਗਿਅਮ ਆਰੋਗਿਅਮ ਦੇਹੀ ਮੇ ਪਰਮਮ ਸੁਖਮ ਦੇਹੀ ਮੇ ਪਰਮਮ ਸੁਖਮ ਰੂਪਮ ਦੇਹੀ ਜਯਮ ਦੇਹੀ ਰੂਪਮ ਦੇਹੀ ਜਯਮ ਦੇਹੀ ਯਸ਼ੋ ਦੇਹੀ ਦਿਸ਼ੋ ਜਹੀ ਯਸ਼ੋ ਦੇਹੀ ਦਿਸ਼ੋ ਜਹੀ ਸਰਵ ਮੰਗਲ ਮੰਗਲੇ ਸਰਵ ਮੰਗਲ ਮੰਗਲੇ ਸ਼ਿਵੇ ਸਰਵਾਰਥ ਸਾਧਿਕੇ ਸ਼ਿਵੇ ਸਰਵਾਰਥ ਸਾਧਿਕੇ ਸ਼ਰਣੇ ਤ੍ਰਯੰਬਕੇ ਗੌਰੀ ਸ਼ਰਣੇ ਤ੍ਰਯੰਬਕੇ ਗੌਰੀ ਨਾਰਾਇਣੀ ਨਮੋਸਤੁਤੇ ਨਾਰਾਇਣੀ ਨਮੋਸਤੁਤੇ ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਦੀਨਾਰਥ ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਦੀਨਾਰਥ ਪਰਿਤ੍ਰਾਣ ਪਰਾਯਣੇ ਪਰਿਤ੍ਰਾਣ ਪਰਾਯਣੇ ਸਰਵਸਿਆਰਥੀ ਹਰੇ ਦੇਵੀ ਸਰਵਸਿਆਰਥੀ ਹਰੇ ਦੇਵੀ ਨਾਰਾਇਣੀ ਨਮੋਸਤੁਤੇ ਨਾਰਾਇਣੀ ਨਮੋਸਤੁਤੇ ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖਿਨਃ ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖਿਨਃ ਸਰਵੇ
सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः परम पूजनीय पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त बैठे बैठे शांतिपूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। Thank you.
विद्या जी दो 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 Yeah.